तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का सेट आ, जो कि आपका कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देख कर जाए, ताकि आप सबको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल तो आपके प्री बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित की गई थी, मगर इस बार आपके प्री बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके उसकी जगह पर आपसे चार चार मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करने को आपको घर के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि आपको स्कूल से पेपर तो मिल गए होंगे मगर इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बना के बताऊंगा। देखिएगा आप सभी लोग यहां से इसका पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको स्कूल से मिल गया होगा। अब चलिएगा बिना किसी देरी के इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप लोग देख ले अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का सेट आ का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहां से देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं। चलिएगा बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन पेपर को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो आपका आ जाएगा बिंब विधान के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रस हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा गया है इसका उत्तर आपका वीर रस आ जाएगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। देखिएगा इसका जो केंद्रीय भाव है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको लिख लेना है इसका केंद्रीय भाव है बाजारवाद। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य एक है। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना है, ये संयुक्त वाक्य आपका है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। तो देखिएगा पाँच नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया होगा इसमें आपको लिख लेना है, अनाज जमा करने के काम में ये आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि अभी तक आपने पांच सही विकल्प को लिख लिया होगा। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है, पूर्णकालिक, अंशकालिक, संवाददाता, फ्रीलांसर। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से आपको लिख लेना है संवाददाता। इस प्रकार से आप सभी ने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन तैयार कर लिया होगा। अब इसके बाद में आगे आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके स्कूल से आपको कौन कौन से सेट पेपर मिल चुके हैं और वो कितनी तारीख तक जमा आपको करने हैं, ताकि हम आपकी सुविधा अनुसार इसका पूरा सॉल्यूशन आपको समय रहते बता सके। और आगे भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से सेट पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए। सेट ए का तो मैं बता ही रहा हूँ, बी का चाहिए, सी का चाहिए, डी का चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो आपके विषय का। जितने भी कमेंट आएंगे उस आधार पर हम टॉपिक वाइज वीडियो बना देंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे पूछा गया है। रिक्त स्थानों पहला क्वेश्चन देखते हैं, तुमने को सहूलियत से बरतने की कभी नहीं सीखी। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें आपको लिख लेना है भाषा, पहले क्वेश्चन में रिक्त स्थान में आपको भाषा आ जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, श्रृंगार काल का नया अन्य नाम क्या है। तो देखिएगा श्रृंगार काल का अगला नाम है रीति काल, यहाँ से आप लोग लिख लें रीतिकाल, नहीं हाँ रीतिकाल इसका नाम है, आप लोग यहाँ से इसको लिख लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, काव्य में बिंब को माना जाता है, बिंब को क्या माना जाता है काव्य में। तो यहाँ से आप लोग देख लें, काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बाजार में एक है। देखिएगा बाजार में एक क्या है, खेल है, जादू है या आनंद है। तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना है, बाजार में एक जादू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो देखिएगा जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे कैसा शब्द युक्त कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, पुनरुक्त शब्द युग्म इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई, कैसी हो गई। छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लें, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, सेक्शन की घड़ी किस प्रकार की हो गई थी। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको आप लोग देख लें और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। पुनरुक्त शब्द युग में इसमें आ जाएगा, लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई, सुस्त गतिशील या वस्तु। तो इसमें आपको लिख लेना, सुस्त संपादकी को आवाज़ माना जाता है, किसकी आवाज़ माना जाता है, आम जनता की, यहाँ से आप लोग लिख लें। और उसी के अलावा आगे देखते हैं जहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से करना है, कविता के बहाने।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कविता के बहाने जो जोड़ी है इसका मिलान आपको किससे कर लेना है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कुंवर नारायण से कर लेना है। कविता के बहाने कुंवर नारायण से, महाकाव्य में की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है कामायनी से। कहाँ पर लिखा है कामायनी, ये लिखा है महाकाव्य कामायनी। भक्तिन, भक्तिन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा से। और उसी के अलावा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आठ होते हैं। जूझ, जूझ किसकी कहानी है, पाँचवें नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो डॉक्टर आनंद यादव की कहानी है। उसी के अलावा विशेष रिपोर्ट प्रकार छठे नंबर का क्वेश्चन, तो इसका जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है बैकग्राउंडर से। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। आप इसी के अलावा आगे के प्रश्नों को देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या लिख देना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी और आगे आपको लिखना निराला, पूरा इस प्रकार से लिख ले। अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा विस्तृत कलेवर वाला जो काव्य होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। यहाँ से आप लोग नोट कर ले महाकाव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो पूरा आपको लिख देना है, एकांकी में एक अंक होता है। क्या लिख देना है, एक अंक होता है, इस प्रकार से लिख लें। अगला क्वेश्चन, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया चौथे नंबर का, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो यहाँ से आपको लिख लेना है खतरनाक और ऊबड़ खाबर। कैसे ना रास्ते हैं, खतरनाक और ऊबड़ खाबर रास्ते हैं। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है कम शब्दों में अधिक बात कहना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। कम शब्दों में अधिक बात कहना, ये गागर में सागर भरने का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू पंत को किसने शरण दी। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आ जाएगा आपका किशन दा ने, किशन दा ने इनको शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, HTMLM का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिएगा HTMLM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है हाइपर टेक्स्ट, और आगे आपको लिखना है मार्क, और आपको लिख लेना है मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। आगे आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो सत्य असत्य किस प्रकार से आपको लिखने होंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते। तो देखिएगा ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, गे मुक्तक को प्रेमी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज को अवधूत भी कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा तीसरे नंबर का, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका असत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आप सभी को आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है, और आगे जो क्वेश्चन लिखे हैं इन सभी का अभी सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन सभी प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आपको और किसी भी विषय का पूरा सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जाके आप लोग एक लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग पूरा सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और देखिएगा पूरा का पूरा ऐसा आपका पेपर जो कि आया है, ये आपका सेट ए है, आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।